हेलो गाइस, मेरा नाम है ईशान मनचंदा एंड आई एम अ मार्केटिंग कंसल्टेंट एंड अ प्रोफेसर एट बड़ा बिजनेस बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। मैं आप सबका गाइस लेक्चर 2 में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि कैसे हम अपने कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हैं और उससे हमें क्या फायदा हो सकता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब हमने पिछले वीडियो में स्टार्टिंग में बात की थी कि सबसे पहला स्टेप जब भी आप किसी क्लाइंट के लिए या किसी बिजनेस के लिए अगर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिफाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, जिसके लिए हम एम्पथी मैप और बायर पर्सोना का यूज करते हैं। आज इस सेकेंड लेक्चर में स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं, जहां हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझना कि कस्टमर आखिर हमें हमारे बिजनेस को ढूंढता कैसे है, ऑनलाइन किस तरह से ढूंढता है। हमें पता है कि आजकल ऑनलाइन का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है। हर छोटी से छोटी चीज के लिए कस्टमर इंटरनेट पर जाके इंफॉर्मेशन गैदर करता है और इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके वो फाइनल डिसीजन लेता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आपका कस्टमर आपके बिजनेस को ऑनलाइन ढूंढता है। तो इसका सिंपल सा जवाब है, कोई सीक्रेट नहीं है इसके पीछे, कस्टमर ढूंढता है कीवर्ड्स का यूज करके। जी हाँ, कीवर्ड्स यानी ऐसे वर्ड्स जिनका यूज करके कस्टमर या कोई विजिटर या कोई ऑनलाइन यूजर किसी भी इंफॉर्मेशन को ढूंढता है, किसी इंफॉर्मेशन को, कोई प्रोडक्ट को, कोई बिजनेस को ढूंढने के लिए जो वर्ड्स यूज करता है उन्हें कीवर्ड्स कहते हैं। तो जैसे कि गूगल के ऊपर सर्च क्वेरीज के फॉर्म में कीवर्ड्स यूज होते हैं, जैसे प्रिकॉशंस फॉर कोरोना, ये कुछ ऐसा कीवर्ड है जो बहुत यूज हो रहा होगा। सिमिलरली विल आई लूज माई जॉब बिकॉज ऑफ कोरोना, ये भी एक ऐसी सर्च क्वेरी है जो कि आज के टाइम में यूज होगी। ये दोनों क्या है, कीवर्ड्स है। सिमिलरली सोशल मीडिया पे जो हैशटैग्स यूज होते हैं वो भी एक तरह से कीवर्ड ही होते हैं। हैशटैग्स का यूज करके लोग डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पोस्ट ढूंढते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इवन लिंक्डइन पे। तो जैसे कि एग्जाम्पल हो गया हैशटैग कोरोना वायरस या हैशटैग वर्क फ्रॉम होम, अगेन कुछ ऐसे ट्रेंडिंग हैशटैग्स जो आज के टाइम में काफी चल रहे हैं। और फाइनली ई कॉमर्स के ऊपर प्रोडक्ट सर्चेस जो होती हैं, प्रोडक्ट सर्च क्वेरीज, वो भी कई कीवर्ड्स ही कहलाते हैं, जैसे कि बेस्ट फोन अंडर ₹10,000 या फिर सैनिटाइजर विद 70% अल्कोहल, ये क्या हो गए, प्रोडक्ट सर्च क्वेरीज हो गई। तो सोशल मीडिया हो, ई कॉमर्स हो या नॉर्मल वेबसाइट हो या गूगल हो, हर जगह कीवर्ड्स का यूज करके ही आपका कस्टमर आपके बिजनेस तक पहुंचता है। तो आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप क्योंकि चल रहे हैं तो फोकस सिर्फ करेंगे गूगल के ऊपर। गूगल जिसका सर्च इंजन की दुनिया में 86% मार्केट शेयर है, 86% मार्केट शेयर गूगल का है, ऑलमोस्ट एक मोनोपोली है और कोई इतना बड़ा सर्च इंजन नहीं है, और इसीलिए गूगल वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड है। तो गूगल एक मार्केटिंग चैनल के तौर पर भी बहुत बेनिफिशियल होता है। गूगल पे हम पेड एड्स और ऑर्गेनिक लिस्टिंग्स कर सकते हैं। हम आज बात करेंगे ऑर्गेनिक लिस्टिंग की, पेड एड्स की हम बात नहीं करेंगे। ऑर्गेनिक यानी अनपेड, जहां आपको एज अ बिजनेस या आपके क्लाइंट को मार्केटिंग स्पेंड या मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो गूगल के ऊपर गूगल की वेबसाइट ऑर्गेनिक लिस्टिंग और गूगल की लोकल मैप लिस्टिंग, ये दोनों को हम देखेंगे और समझेंगे कि यहां पे कीवर्ड्स कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे आपके बिजनेस को उन कीवर्ड्स का यूज करके फायदा हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और एक एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल है आपकी स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं कुछ वेबसाइट की लिस्टिंग, जैसे कि हम मैंने सर्च किया है विल आई लूज माय जॉब ऑफ बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, उसके लिए कुछ वेबसाइट्स की लिस्टिंग आ गई है, जैसे बीबीसी की लिस्टिंग है, लीगल डेटवर्क की लिस्टिंग है, फोर्ब्स की लिस्टिंग है, बैंक रेट की लिस्टिंग है। तो ये अलग अलग लिस्टिंग है, ये ऑर्गेनिक लिस्टिंग है। इन लिस्टिंग के लिए इन वेबसाइट ने गूगल को कुछ पे नहीं किया है। अब इन लिस्टिंग्स में बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। आप कुछ सोच के देखिए, जब भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल पे जाते हैं, आप सर्च क्वेरी या कीवर्ड के फॉर्म में कुछ सर्च करते हैं, जो फर्स्ट पेज पे लिस्टिंग आती है आप उन्हीं पे क्लिक करते हैं, आप उनकी वेबसाइट विजिट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग आपकी वेबसाइट पे विजिट करें। वेबसाइट आपकी ऑनलाइन दुकान है, इस दुकान पे जब लोग आएंगे तभी खरीदारी होगी, तभी आप पैसा कमाएंगे, तभी रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो गूगल बहुत बढ़िया एक चैनल है जिसके वजह से बिना कोई इन्वेस्ट किए आप यूजर्स को अपनी दुकान, अपनी वेबसाइट पे ला सकते हैं और बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। गूगल पे इसके अलावा एक और ऑर्गेनिक लिस्टिंग होती है जो कि ये मैप के ऊपर होती है। आप लोगों ने ये देखा होगा, बहुत आप सब यूज करते हैं गूगल, आपने बहुत बार इस टाइप की लिस्टिंग देखी होंगी। ये लोकल लिस्टिंग होती है, जब भी आप कुछ लोकल सर्च करते हैं या कुछ ऐसा सर्च करते हैं जो आपके लोकेलिटी में आपको मिल जाए, आपके घर के पास आपको चाहिए हो, तो उसमें मैप की लिस्टिंग आ जाती है गूगल के पेज पे, गूगल के सर्च इंजन पेज पे।
जैसे मैंने सर्च किया है फार्मेसी नियर मी, तो आप देख सकते हैं फार्मेसी नियर मी सर्च करते ही मेरे घर के पास की तीन फार्मेसी आ गई हैं। ये मैप में तीन पोजीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉप थ्री। और भी लिस्टिंग होती है लेकिन उसके लिए मोर प्लेसेस पे क्लिक करना पड़ता है। तो इस टॉप थ्री में आना बहुत जरूरी है, जैसे कि गूगल के सर्च पेज पे वेबसाइट को टॉप से टॉप पोजीशन फर्स्ट पेज पे रखना जरूरी है, उसी तरह इस मैप पे भी टॉप थ्री पोजीशन में आपकी बिजनेस लिस्टिंग को रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस लिस्टिंग के थ्रू कस्टमर डायरेक्टली आपको कॉल कर सकता है। आप देखिए नंबर दिया हुआ है, आपकी शॉप पे आ सकता है, डायरेक्शंस दिए हुए हैं, आपकी वेबसाइट का भी लिंक दिया जा सकता है, वहां भी विजिट कर सकता है इसके थ्रू डायरेक्टली। सोचिए कितना ज्यादा फायदा होगा। एक पॉइंट दिमाग में हम रखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, कि आप इसके लिए गूगल को कुछ पे नहीं कर रहे हैं, कुछ मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। तो आपको अब समझ आ गया है यहाँ पे फायदा होगा अगर आपकी बिजनेस की लिस्टिंग टॉप से टॉप पोजीशन मैप पे हो और या वेबसाइट की लिस्टिंग टॉप से टॉप पोजीशन फर्स्ट पेज पे हो। अब इन दोनों की रैंकिंग इंप्रूव करने के लिए आपकी बिजनेस लिस्टिंग ऑन द मैप हो या वेबसाइट की लिस्टिंग ऑन द गूगल सर्च पेज हो, रैंकिंग इंप्रूव या टॉप से टॉप पोजीशन ले जाने के लिए एक कॉमन चीज जो दोनों में यूज होती है, नॉट द ओनली वन बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉमन चीज जो यूज होती है, वो है कीवर्ड ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट। यानी ऐसा कंटेंट जो कि कीवर्ड के बेसिस पे हो। कीवर्ड क्या हुए यहाँ पे? यूजर्स की सर्च क्वेरी। जो लोग सर्च करते हैं वो लोग क्या सर्च कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आप अगर कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे तो आपकी बिजनेस की लिस्टिंग मैप पे और आपकी वेबसाइट की लिस्टिंग टॉप से टॉप पोजीशन ऑन द टॉप मोस्ट पेज आने लगेगी धीरे धीरे करके। इसी प्रोसेस को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं। अपनी वेबसाइट लिस्टिंग को टॉप से टॉप पोजीशन पे लाना, उस प्रोसेस को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। और ये मैप पे अपनी लिस्टिंग को टॉप से टॉप पोजीशन पे लाना, इसको बोलते हैं लोकल SEO, लोकल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इन दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंटेंट पब्लिश करना, यानी ब्लॉग्स के फॉर्म में, वेबसाइट पे अबाउट अस सर्विसेज, प्रोडक्ट्स के फॉर्म में, ई कॉमर्स हो तो प्रोडक्ट टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स, इमेजेस के फॉर्म में, ये कंटेंट होता है। ये सारा कंटेंट हमें कुछ कीवर्ड्स का यूज करके करना होता है। क्यों? क्योंकि कीवर्ड का आप यूज करेंगे तभी गूगल समझ पाएगा कि आप क्या ऑफर कर रहे हैं, आप क्या बोलना चाह रहे हैं। और अगर यूजर वही टाइप की चीजें सर्च करते हुए आएगा तो आपकी लिस्टिंग या आपकी वेबसाइट की लिस्टिंग टॉप से टॉप पोजीशन पे आने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो कीवर्ड कैसे ढूंढते हैं और कैसे उससे कीवर्ड ऑप्टिमाइज कॉन्टेंट बनाते हैं, उसको समझने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ कीवर्ड होते कौन से हैं, क्या क्या टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं। बहुत जरूरी है इसकी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आगे हमें कीवर्ड ढूंढने के प्रोसेस में काफी हेल्प करेगा, उस प्रोसेस का टाइम हमारा बचाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, तीन हिस्सों में आप कीवर्ड को डिवाइड कर सकते हैं, शॉर्ट टेल, मिडिल टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। शॉर्ट टेल, जैसे कि जितने नंबर ऑफ वर्ड्स ये कीवर्ड बनाएगा उसके बेसिस पे शॉर्ट, मिडिल और लॉन्ग टेल हम डिफाइन करते हैं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग, ये हुआ शॉर्ट टेल कीवर्ड। अब जनरली शॉर्ट टेल कीवर्ड सर्च भी बहुत ज्यादा होते हैं, उनकी सर्च वॉल्यूम ज्यादा होती है, क्योंकि जनरली लोग स्पेसिफिक नहीं लिखते, जनरल लिख देते हैं। अगर उन्हें किसी को डिजिटल मार्केटिंग पढ़ना है, कोर्स लेना है, समझना है क्या है डिजिटल मार्केटिंग, कोई भी एक्स वाई जेड रीजन है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, वो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग लिख देते हैं, ज्यादा से ज्यादा ये होता है। इसलिए सर्च वॉल्यूम शॉर्ट टेल कीवर्ड की, छोटे कीवर्ड्स की, जनरल कीवर्ड्स की ज्यादा होती है। लॉन्ग टेल कीवर्ड जैसे लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन दिल्ली ड्यूरिंग समर्स, ये एक स्पेसिफिक लंबा कीवर्ड हुआ, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है, कम सर्च होगा डेफिनेटली, क्योंकि ये स्पेसिफिक है, ज्यादा लोग नहीं लिखेंगे, कम से कम लोग इस टाइप के कीवर्ड यूज करेंगे। इसी के साथ साथ ये भी समझिए कि जिस पे सर्च वॉल्यूम ज्यादा होगा उस पे कंपटीशन भी ज्यादा होगा, यानी कंपटीशन यानी वो ऐसी वेबसाइट जो उस कीवर्ड पे फर्स्ट पेज पे आना चाहती हैं, टॉप मोस्ट पोजीशन पे आना चाहती हैं, ऐसी वेबसाइट्स भी ज्यादा होंगी, कंपटीशन ज्यादा होगा, लॉन्ग टेल पे कॉम्पिटिशन भी कम होगा। और थोड़ा अगर एक और पैरामीटर के बेसिस पे टाइप्स ऑफ कीवर्ड समझे तो कन्वर्जन जो है वो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स में कम होगा, चांसेस कम होंगे। कोई डिजिटल मार्केटिंग लिख रहा है तो वो बंदा कोर्स जाके खरीद ले या एजेंसी हायर कर ले, उसके चांसेस कम होंगे। लेकिन अगर कोई लिख रहा है लर्न डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन समर वेकेशन, तो अगर कोई है ऐसा बिजनेस जो समर में एक डिजिटल मार्केटिंग का बैच चालू कर रहा है, ऐसे यूजर्स जो इस टाइप का कीवर्ड लिख रहे हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड, उनके कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जब आपकी वेबसाइट नई होती है, जब आपकी वेबसाइट ज्यादा पावरफुल नहीं होती, अथॉरिटी नहीं होती, आपकी वेबसाइट न्यू है, तब आपको फोकस करना होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे, क्योंकि उन पे कंपटीशन कम है। पहले महीने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स पे अपनी वेबसाइट को आप रैंक कराइए। आप रैंक करेंगे, थोड़ा ट्रैफिक आएगा ऑर्गेनिक, यानी SEO के थ्रू थोड़ा ट्रैफिक वेबसाइट पे आएगा, तो आपकी वेबसाइट थोड़ी और पावरफुल हो जाएगी। जब थोड़ी पावरफुल हो जाए तो बेटर कीवर्ड्स चूज कीजिए, नए ब्लॉग्स जो आप डालें अगले महीने उसमें हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड, हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड यूज करें। स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे 5 से 6 महीने बाद ऐसे कीवर्ड्स पे भी आप फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहे होंगे जो बहुत बार सर्च होते होंगे, यानी सर्च वॉल्यूम बहुत हाई होगा, कॉम्पिटिशन भी ऐसे कीवर्ड्स का ज्यादा होगा।
तो इस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप मंथ ऑन मंथ जाना है। इसीलिए हर लोग जिससे भी आप बात करेंगे आपको वो यही बताएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जिसमें एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कीवर्ड ऑप्टिमाइज कंटेंट। तो अब आप कीवर्ड क्या होते हैं समझ गए हैं, टाइप्स ऑफ कीवर्ड समझ गए हैं, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं कीवर्ड रिसर्च का प्रोसेस। अगर आप अपनी वेबसाइट पे कोई ब्लॉग आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं, आपकी ई कॉमर्स है, वेबसाइट है, प्रोडक्ट को आपको लिस्ट करना है, उसका टाइटल डिस्क्रिप्शन कैसे लिखें, तो उसके लिए सबसे पहले कीवर्ड ढूंढ लें, दो तीन लॉन्ग, अगर नई वेबसाइट है दो तीन लॉन्ग टेल लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड ढूंढ लें। कॉम्पिटिशन कैसे लो है कि नहीं ये कैसे पता करना है ये भी अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसे दो तीन कीवर्ड हम ढूंढेंगे और उसको यूज करके प्रोडक्ट का टाइटल और प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। हम एग्जांपल ले रहे हैं ब्लूटूथ हेडफोन्स का, मान लेते हैं हमारी एक ई कॉमर्स स्टोर है जहां हम ब्लूटूथ हेडफोन्स बेचते हैं। हम ऐसे दो तीन कीवर्ड निकालेंगे जो रेलेवेंट हो, जिन पे कंपटीशन कम हो, और उनको यूज करके प्रोडक्ट का टाइटल, ब्लूटूथ हेडफोन्स का एक टाइटल और उसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन कीवर्ड्स को यूज करके लिखेंगे। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ कीवर्ड प्लानर पे। जी हाँ, गूगल का एक टूल है कीवर्ड, गूगल कीवर्ड प्लानर, जहां पे आपको सबसे पहले साइन इन करना है। आप अपनी जीमेल आईडी से साइन इन कर सकते हैं। जब आप यहाँ पहुंच जाएं तो डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक कीजिए और सबसे पहले दो ऐसे कीवर्ड लिखिए जो एक कस्टमर आपके हिसाब से लिखेगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं ब्लूटूथ हेडफोन्स की, तो अगर हम ब्लूटूथ हेडफोन्स की बात कर रहे हैं तो कस्टमर क्या लिख रहा होगा अगर उसे ब्लूटूथ हेडफोन चाहिए होंगे। हम जैसे लिख सकते हैं बाय ब्लूटूथ हेडफोन्स, और दूसरा हम लिख सकते हैं बेस्ट ब्लूटूथ हेडफोन्स, और ये करने के बाद आप गेट रिजल्ट्स पे क्लिक कीजिए। तो कीवर्ड प्लानर टूल क्या करता है, ये आपको लिस्ट ऑफ कीवर्ड आइडियाज दे देगा, आपको और आइडियाज दे देगा कि और क्या क्या कीवर्ड आपके कीवर्ड से रिलेटेड हो सकते हैं। देखेंगे हमारे पास 3838 कीवर्ड आइडियाज आ गए हैं, आप इनको एक क्लिक से डाउनलोड कर लें। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, फाइल डाउनलोड हो जाएगी, तो ये एक एक्सेल बन के आएगी और ये एक्सेल कुछ इस तरह से दिखेगी। अब जब आपके सामने कीवर्ड्स आ गए हैं, अब आपको याद करना है कंपटीशन कौन से कीवर्ड्स पे कम होता है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे। तो एक एक करके लॉन्ग टेल कीवर्ड्स अपने आंखों से आइडेंटिफाई कीजिए और फिर कंपटीशन चेक कीजिए। तो अब मैं बताता हूँ कंपटीशन कैसे चेक होता है। सपोज हमने उठाया ये कीवर्ड, अब ये थोड़ा शॉर्ट टेल मिडिल टेल है, एक्सपेक्टेड कॉम्पिटिशन इस पे ज्यादा होगा क्योंकि हमने यही सीखा है। तो आप कॉम्पिटिशन कैसे चेक करते हैं, तो चेक करने के लिए आप लिखते हैं ऑल इन टाइटल बेस्ट रनिंग हेडफोन्स, ऑल इन टाइटल कोलन स्पेस मारिए, फिर अपना कीवर्ड पेस्ट कर दीजिए और एंटर मारिए। तो अभी रिजल्ट समझाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो होता है ये ब्लू पार्ट जो है इसे बोलते हैं टाइटल, और इससे नीचे जो लाइन लिखी होती है इसे बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। हर वेबसाइट के हर पेज का एक टाइटल होता है और एक मेटा डिस्क्रिप्शन होता है। टाइटल एक ऐसा लोकेशन होता है जहां पे कीवर्ड को यूज करके ही टाइटल, मतलब आपका जो फोकस कीवर्ड है, जो मेन कीवर्ड है, वो आप टाइटल में यूज करते हैं, वो कीवर्ड यूज करके ही टाइटल को बनाया जाता है। तो ऐसे ही जब हम ये सर्च करते हैं कि ऑल इन टाइटल बेस्ट रनिंग हेडफोन्स, तो ये जो वैल्यू आती है ना 8590 जो इस समय वैल्यू आई है, ये हमें बता रही है कि कितनी वेबसाइट्स हैं, मतलब 8590 ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने अपने टाइटल में ये कीवर्ड यूज किया है। अगर टाइटल में यूज किया है मतलब इतनी ही वेबसाइट्स इस कीवर्ड पे फर्स्ट रैंक भी करना चाहती हैं, इतना कंपटीशन है एक तरह से, समझ आया। एक बार फिर से बताता हूँ, ऑल इन टाइटल जैसे ही हम करके अपने कीवर्ड डाल के सर्च करते हैं तो ये जो रिजल्ट आता है ये हमें बताता है कि कितनी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने अपने टाइटल में ये कीवर्ड यूज किया है। टाइटल में अगर कोई कीवर्ड यूज करता है मतलब वो उस पर फोकस कर रहा है, उस कीवर्ड के लिए वो फर्स्ट पेज या फर्स्ट रैंक पे आना चाहता है। ऐसे में 8590 अगर वेबसाइट्स होंगी तो अगर मेरी वेबसाइट न्यू है तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा इस कीवर्ड पे फर्स्ट रैंक करना। अगर मैं फर्स्ट रैंक नहीं आऊंगा, लोग नहीं आएंगे मेरी वेबसाइट पे ऑर्गेनिकली, तो मेरी वेबसाइट पावरफुल कभी नहीं हो पाएगी, और पावरफुल नहीं होगी तो मैं हमेशा रैंक नहीं कर पाऊंगा। इसलिए जरूरी है कि मैं ऐसे कीवर्ड पे शुरुआत में रैंक करूं जिन पे मैं कर सकता हूं, जिन पे कंपटीशन कम है, क्योंकि वहां से जब थोड़ा ट्रैफिक आएगा धीरे धीरे करके मेरी वेबसाइट पावरफुल होगी और मैं फिर बेटर कीवर्ड्स, बेटर सर्च वॉल्यूम, हाईली कॉम्पिटिटिव, हाईली रेलेवेंट कीवर्ड्स पे भी रैंक कर पाऊंगा। तो अब इसी तरह से आपको मैन्युअली ढूंढना है, जैसे कि मैं एक ये सर्च कर लेता हूं, ये हमने सर्च किया, यहाँ पे वैल्यू आई 679। तो हमें एक्चुअली में ऐसे दो तीन कीवर्ड ढूंढने हैं इस समय जिसके लिए ये वैल्यू 500 से कम हो। जी हाँ, 500 से कम हमें दो तीन कीवर्ड ढूंढने हैं। एक दो और ट्राई कर लेते हैं, जैसे हम ये वाला ट्राई करते हैं। तो एक करके लॉन्ग टेल कीवर्ड आप ढूंढते जाइए, ये भी देखिए कि रेलेवेंट है कि नहीं, आपके आपसे रेलेवेंट होना चाहिए। यहाँ पे आया 909 रिजल्ट, तो आप देख रहे हैं कितना कॉम्पिटिटिव मार्केट है, बहुत लोग ब्लूटूथ बेचते हैं, इसीलिए कॉम्पिटिशन कम मिलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा।
तो मैंने इजी करने के लिए मैंने पहले से ही निकाल रखे हैं, टाइम हमारा ज्यादा वेस्ट ना हो। तो बेस्ट वायरलेस हेडफोन्स फॉर वर्किंग आउट, ये एक कीवर्ड है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसका क्या ऑल इन टाइटल वैल्यू आ रही है, 364। जी हाँ, तो जैसा मैंने बोला 500 से नीचे होनी चाहिए, तो 364 यहाँ वैल्यू आ रही है। तो इसी तरह मैंने दो और कीवर्ड निकाली है, बेस्ट बजट नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स और बेस्ट ब्लूटूथ हेडफोन्स अंडर 2000। ये तीन कीवर्ड निकाले हैं जिन पे कंपटीशन कम है और इनको यूज करके अब हम कंटेंट बना सकते हैं। जब हम इन कीवर्ड्स को यूज करके कंटेंट बनाएंगे तो हमारी रैंकिंग से इन कीवर्ड्स के लिए इंप्रूव होगी। यहाँ पे समझना जरूरी है कि ये कीवर्ड्स का यूज करने का मतलब कॉपी पेस्ट करना नहीं है, ये कीवर्ड्स एक मीनिंग पोर्ट्रे करते हैं, उसी मीनिंग को यूज करके आपको अपना कंटेंट बनाना है। अगर आप ब्लॉग आर्टिकल लिख रहे हैं, चाहे आप आंसर लिख रहे हैं, कोई वेबसाइट पे कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जहां भी आप लिख रहे हैं आप इन कीवर्ड्स को यूज करके लिखिए। तो इसी तरह मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर इन कीवर्ड्स को यूज करते हुए ही इस प्रोडक्ट का एक टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखा है। तो इस तरह है, टाइटल मैंने लिखा है, अब आप एक बार फिर से, उससे पहले एक बार फिर से ध्यान से इन तीन कीवर्ड्स को पढ़ लीजिए, बेस्ट वायरलेस हेडफोन्स फॉर वर्किंग आउट, बेस्ट बजट नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स, बेस्ट ब्लूटूथ हेडफोन्स अंडर 2000। इनको यूज किया है, जरूरी नहीं है हर चीज आप यूज करें, जो आपको रेलिवेंट लगे आप वही यूज करें, लेकिन इनको यूज करने की कोशिश करें। तो वैसे ही मैंने यूज किया है, टाइटल मैंने बनाया है नॉइस कैंसिलेशन बजट ब्लूटूथ हेडफोन्स ब्लैक कलर, डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा है हियर वी ऑफर वन ऑफ द बेस्ट ब्लूटूथ हेडफोन दैट फॉल वेल विद इन योर बजट। देखिए यहाँ पे किस तरह से मैंने कीवर्ड यूज किया, बेस्ट ब्लूटूथ हेडफोन भी यूज कर लिया, बजट वाला पार्ट भी यूज कर लिया। विद नॉइस कैंसिलेशन द वायरलेस ब्लूटूथ हेडफोन्स कम एट अंडर INR 2000 विद 1 ईयर वारंटी। तो यहाँ पे मैंने ये इस तरह से नेचुरली कीवर्ड यूज किया, मैंने कहीं भी कॉपी पेस्ट नहीं किया, आप ध्यान से देखिए नेचुरली मैंने कीवर्ड को यूज किया है। तो इसी तरह आप लोग भी अपने, कभी भी आप ब्लॉग आर्टिकल लिख रहे हो, वेबसाइट आप बना रहे हो उस पर इंफॉर्मेशन डालनी हो, या आपकी गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग हो जिसपे आप पोस्ट के फॉर्म में या आप कीवर्ड ऑप्टिमाइज कंटेंट पब्लिश कर सकते हैं, तो वो चीजों के लिए सबसे पहले कीवर्ड निकाल लें और इन कीवर्ड्स को यूज करके ही इस टाइप का कंटेंट बनाएं। तो आज इस लेक्चर के लिए इतना ही, कल हम गूगल माई बिजनेस ये लोकल SEO को डेप्थ में समझेंगे। आज थोड़ा सा आइडिया हमें लगा कि क्या होता है, तो कल इसको कंटिन्यू करेंगे और डेप्थ में समझेंगे कि गूगल माई बिजनेस कैसे करें और अपनी लिस्टिंग को उस मैप पे टॉप से टॉप पोजीशन पे लाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, वो भी हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इस वीडियो के एंड होते ही, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी एक टास्क दिया था, मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप लोग वो टास्क करें और मुझे मेल करें, मैं आपको फीडबैक दूंगा। आज का टास्क कुछ इस तरह है कि आपको एक कीवर्ड रिसर्च करना है, कोई भी प्रोडक्ट पकड़िए, कोई भी कंपनी पकड़िए, उसके लिए कीवर्ड रिसर्च करिए, दो तीन कीवर्ड्स अंडर 500 ऑल इन टाइटल वैल्यू निकाले। याद रखिए ऑल इन टाइटल 500 फिक्स नहीं है, अगर बहुत कम कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, जैसे कि अगर कोई अपसाइकलिंग ऑफ डेनिम, जैसे कि कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं रिसाइकल अपसाइकल करके, उस प्रोडक्ट की है वो थोड़ी कम कॉम्पिटिटिव है, वहां पे आप 200 से कम वाले ऑल इन टाइटल वैल्यू लेस देन 200 वाले कीवर्ड्स भी ले सकते हैं। तो डिपेंड करता है कितना कॉम्पिटिटिव है, ब्लूटूथ थोड़ा है ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, ई कॉमर्स जनरली बहुत कॉम्पिटिटिव होता है, इसलिए हमने 500 से नीचे ऑल इन टाइटल वैल्यू ली है। उसको यूज करके आप डिस्क्रिप्शन लिखे, उनका एक टाइटल लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन जैसे मैंने लिखा है उस तरह से आप लिख सकते हैं। मुझे shandigitalcourse@gmail.com पे मेल करें, प्लीज इस वीडियो को शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और कल आना ना भूलें, कल तीसरे लेक्चर में मेरे साथ इस पूरी वीडियो सीरीज में, फ्री वीडियो सीरीज में बने रहें, और अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।